चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास की दो कविताएं यहाँ लिखी गई है। एक आपका होगा, देखिए इधर आपका, तो आपका जो है वो एक कविता है कवितावली, ठीक है। अधिकार आपका होगा वो है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विरह, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पर बाबू, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ दो कविताएं और दोनों को लिखने वाले हैं तुलसीदास। देखो ध्यान दो, जो भी राइटर होते हैं उनके बारे में दो सवाल पूछता है। एक आता है कि आखिर राइटर का जन्म सर कब और कहाँ हुआ, और दूसरा इनकी कम से कम दो किताब का नाम याद कर लेना है। अगर बात करेंगे हम लोग तुलसीदास का, तो इनका जन्म होता है 1532 ईस्वी में। कब? 1532 ईस्वी में। और कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। अगर बात करेंगे इनकी सर, ये जो है ना बहुत बड़े राम के भक्त थे, तुलसीदास इनके भक्त थे, राम के थे। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है जिसमें कहीं ना कहीं राम के बारे में वर्णन किए, ठीक है। अगर सबसे फेमस बात किया जाए तो इनकी मुख्य रचनाएं हुई रामचरितमानस। कौन सी रचना? रामचरितमानस, जिसमें राम के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। और जो हम लोग रामायण देखते हैं ना सीरियल, वो इसी पर बना हुआ है। इस पर रामचरितमानस जो बहुत बड़ा महाकाव्य है उसी पर रामायण सीरियल बना हुआ है। उसके अलावा अन्य बात करेंगे तो विनय पत्रिका, गीतावली, उसके बाद श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामायण प्रश्न, ठीक है। बहुत सारे इनकी रचनाएं हैं और उनमें कम से कम आपको दो को याद कर लेना है। कितना याद करना है? ओनली दो याद रहेगा। अब चलिए आगे आते हैं, आगे बात करेंगे। तो इसे बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं और उसमें पहला आपका जो है वो है बाबू कवितावली से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? कवितावली से, आपका उत्तरकांड से लिया गया है। देखो जो भी किताब लिखे उसमें बहुत सारा कांड था सर, ठीक है ना। और यहाँ बात करेंगे हम लोग कवितावली से। होता क्या है, इस कविता में उन्होंने समाज के बारे में वर्णन किया है। किस प्रकार से समाज के लोग गरीबी के कारण अपना पेट नहीं भर पाते हैं, उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसी का वर्णन इस कवितावली में किया गया है। अगर पूरी किताब की बात करेंगे ना, इस किताब में जो है सो केवल समाज के बारे में वर्णन किया गया है कि समाज के किस वर्ग के लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, उनके सामने क्या समस्याएं आती है, किस तरह वो जीवन में सर्वाइव कर पाते हैं, इसी का वर्णन आपका इस कविता में किया गया है, ठीक है ना। और इसी के बारे में यहाँ देखते हैं। यहाँ बोला गया फर्स्ट लाइन में कि किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। देखो होता है क्या है सर, किस भी बोलते हैं सर मजदूर को, जो किसानों की हेल्प करते हैं ना उसे हम क्या बोलते हैं? किस भी, यानी कि मजदूर कहेंगे सर। किस भी मतलब मजदूर, किसान जान रहे हैं जो खेती बाड़ी करता है। तो किसान कुल कहने का मतलब क्या? खेती बाड़ी करने वाले पूरे कुल खानदान के लोग, समझ गए बातों को। आगे सर बनिक, बनिक बोलते हैं ना बनिया को, जिसका काम क्या होता है? व्यापारी करना, यानी व्यापार करना। तो बनी मतलब क्या हो जाएगा सर? बनिया, जान रहे बनिया, भिखारी जान रहे बाबू जो भीख मांगते हैं। भाट बोलते हैं भटकने वाले व्यक्ति को, तो बोलते हैं ना रफखाना पड़ोस बोलेंगे, राहगीर बोलेंगे सर, जिसे आप देखते होंगे यहाँ गांव टला में कुछ आते हैं आपके फेरी वाले लोग, आज यहाँ रहेंगे कल किसी और गांव में रहेंगे परसों किसी और गांव में रहेंगे, उसे बोलते हैं भाट, समझ गए बातों को, भटकने वाला व्यक्ति। आगे सर चाकर, बोलते हैं हम लोग नौकर चाकर लोग यहाँ पर, ठीक है ना। चाकर बोलते हैं हम लोग नौकर को, किसे बोलते हैं? नौकर को। चप्पल नट, अब देखो अब नाम सुनेंगे नटराज का। नटराज पता है क्या है? वो नाचने में माहिर थे सर, वो नर्तकी यहाँ पर थे, ठीक है ना। तो नट बोलते हैं सर नाचने वाले व्यक्ति को, यानी बोलेंगे सॉरी में डांसर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो नट मतलब सर डांसर, या बोलेंगे नाच करने वाला व्यक्ति। चोर, चार, चेटकी, सबके बारे में वर्णन किया गया यहाँ पर। उस समाज के हर व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर कि
कि चाहे हम किसान की बात करेंगे, मजदूर की बात करेंगे, उसके बाद बनिया की बात करेंगे, भिखारी की बात करेंगे सर, रोड में चलने वाले व्यक्ति की बात करेंगे, उसके बाद हम नौकर की बात करेंगे सर, नचनिया की बात करेंगे, चाहे हम चोर की बात करेंगे सर, चाहे हम चेटकी की बात करेंगे, समझ गए बात को। सब लोग क्या है कि पेट को पढ़त, पेट की गुण को वह पढ़ लिए सर। कहने का मतलब क्या है, आप यहां पढ़ रहे ज्ञान अर्जन करने के लिए, पढ़ रहे नहीं, वो पेट को पढ़ लिए कि बाबू कुछ भी करना होगा पेट वह भरना पड़ेगा, ज्ञान अर्जन हुआ ना पेट के बारे में यहां पर, और उसी पेट को भरने के लिए वह पढ़ाने का भी काम करते हैं या कुछ अपने अपना वो काम में लगे रहते हैं। आखिर बनिया यहां पर काम क्यों करता है सर, पेट को भरने के लिए। चोर यहां चोरी क्यों कर रहा है, पेट को भरने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद और बताओ यहां पर सर, अगर बात करेंगे तो एक चोर यहां चोरी क्यों कर रहा है, पेट को भरने के लिए, ठीक है ना। भिखारी भी क्यों मांग रहा है, पेट को भरने के, यानी सभी लोग जो है सो कहीं ना कहीं सर पेट को भरने का काम करते हैं, यानी पेट के लिए काम करते हैं, समझे बातों को। अब उसके लिए क्या कर रहे हैं सर, तो कोई लोग जो है पढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्या कोई कर रहे हैं पढ़ाने का काम कर रहे, जैसे मान के चलो हम यहाँ सर पढ़ा रहे आपको, क्यों पेट के लिए पढ़ा रहे हैं, हम क्यों पढ़ा रहे हैं पेट के लिए, ठीक है ना। गुण गढ़त, अब कोई लोग जो है गुण को गढ़ता है सर, मतलब कि समझिए ऐसे, अब ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं क्या, नहीं नहीं अपने अंदर गुण का संचार कर रहे, क्यों तुमको लग रहा है कि भविष्य में बहुत बड़ा जॉब हम करेंगे, पेट के लिए ना जॉब करने के सोच रहे हैं। उसके बाद एक किसान जैसे पढ़ने कुछ ना कुछ सीखता है खेती बाड़ी में, यानी गुण का अर्जन करता है सर, क्यों करता है वो, अपने पेट के लिए करता है, समझे बातों को। उसके बाद चढ़त गिरी, कोई पहाड़ पर चढ़ता है कहे ले भाई पेट के लिए, अब पहाड़ पर कौन चढ़ता है बताइए, तो कोई लोग यहाँ पर जो है ना वो जाते शिकार करने के लिए, जाते आँख हेटक करने के लिए, तो जा क्यों रहे हैं अंदर में, पेट के लिए, ठीक है ना। खुद हमारे गांव के कुछ लोग जाते हैं जंगल में पहाड़ चढ़ते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं वो क्यों है, पेट के लिए। तो वही बोला गया है कि हम समाज में सबकी बात करेंगे, चाहे किसान की बात करेंगे, चाहे मजदूर की बात करेंगे, चाहे बनिया हो, भिखारी हो, चाहे बाबू खाना बदोश हो, उसके बाद नौकर चाकर चोर भिखारी सब लोग जो है सो अपने पेट के भरने के लिए काम करते हैं। कोई पेट भरने के लिए पढ़ा रहा है तो कोई जो है सो अपने अंदर गुण गा रहा है, और कोई जो है सो पहाड़ को चढ़ रहा है। अटत गहन गन अहन आखे टकी, नहीं घुस रहा है उसमें, प्रवेश नहीं कर रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं अटते हैं, मतलब घुसते हैं सर, प्रवेश करते कहां पर, तो गहन गन में, यानी घने जंगल में, बोलते हैं गहन मतलब बाबू मतलब घना, गन मतलब कि जंगल में। अब क्यों घुसते हैं वहां सर, तो बोला गया अहन आखे टकी, शिकार करने के लिए, क्योंकि पता होगा आखेटा का मतलब होता है शिकार करना, समझिए बातों को। तो कुछ लोग अपने पेट भरने के लिए घने जंगल में घुस जाते हैं, उसमें वह प्रवेश कर जाते हैं, क्यों शिकार करने के लिए, ताकि उसे कुछ वह शिकार मिले और वहां से फिर वह जो है सो अपने पेट को भर सके, समझे आप लोग। फिर आगे बोला गया है कि ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं ऊंचे नीचे कर्म भी करते हैं, जैसे चोर तुम्हारा क्या है सही काम कर रहा है, नहीं सर मतलब ऊंचे मतलब क्या है, कोई खराब काम कर रहा है कोई बढ़िया काम कर रहा है, हम टीचर हैं तो एक बढ़िया काम कर रहे हैं, एक यहाँ डकैत जो है सो खराब करता है काम यहाँ, एक वैसिया जो है सो खराब काम करते हैं यहाँ पर, तो वही बोला गया है कि लोग यहाँ पर ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, यानी कि चाहे नीचा काम हो चाहे ऊंचा सभी लोग काम करते हैं, क्यों करते हैं पेट भरने के लिए। धर्म अधर्म करें, कुछ लोग यहाँ धर्म भी करते हैं कोई लोग यहाँ पर अधर्म करते हैं, यानी कोई पाप भी कर रहे हैं और कोई पुण्य भी कर रहे हैं, क्यों बाबू पेट की, वही बोल रहा है पेट को ही पचा बेचत बेटा बेट की, अरे बाबू पेट को ही पचत करने के, यानी पेट को ही पचाने के लिए, मतलब पेट को ही भरने के लिए अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। सच्चाई ये है कि भाई हमारे यहाँ गरीबी नहीं है, लेकिन खुद देखो ना एक तरह से कि हमारे पेरेंट्स का शौक नहीं कि मेरे बेटा हमारे पास रहे, सो उनकी शौक है हमें घर से दूर भेजे हैं, क्यों इसी पेट के, जिनको पता है अगर मेरा बेटा हमसे घर से बाहर नहीं जाएगा तो ना तो पढ़ेगा ना दोबारा वो जॉब कर पाएगा, तो घर से बाहर क्यों किए हैं सर, पढ़ने के लिए पेट भरने के लिए।
कुछ ऐसे होते हैं ना जो अपने बेटा को भेजते कमाने के लिए, उसे घर से दूर रखे सर समझो, ऐसा उसे कहीं जाके बेच दिए गुलामी पर, वगैरह रहता है 1 महीना वहां पर उसको मिलता 10,000 रुपया, तो किस तरह से वहां भी बोलेंगे हम सर कि वहां पर उसको कहीं ना कहीं बेच दिए हैं, होता ही नहीं। और तो याद देखेंगे अधिकांश शहरों में अधिकांश गाँव में जो है महिलाओं लोगों की बेटी को खास करके जो है सो संलग्न है वैश्यावृत्ति में, क्यों भीड़ के लिए। तो ये बोला गया है कि सब लोग जो है सो अपना बेटा बेटी को बेच देते हैं। आगे बोले तुलसीदास बुझाई एके राम घन श्याम, तो तुलसीदास को लगता है कि यह जो पेट की आग है वो रोए से राम रूपी नाम, जान रहे हैं ठीक है ना, घनश्याम। अब देखो घनश्याम जो है ना बोलते हैं कृष्ण मोहन को भी बोलते हैं, और घन मतलब होता है बादल, श्याम बोलेंगे काले काले बादल, समझे बातों को। तो जब तक जो है सो सभी के मन में राम रूपी काले काले बादल नहीं आएंगे तब तक किसी को पेट की आग नहीं बुझेगी। कहने का मतलब यह है सर, अगर जैसे मान के चलो पूरा आपके एरिया में आग लगा हुआ है ठीक है ना, चारों ओर आग लगा हुआ है, तो आग कैसे बुझेगी, जब तक आपके जंगल आसमान में जो ऐसे बड़े बड़े बादल नहीं छाएंगे, जब तक वर्षा नहीं तब तक हमारी आग बुझेगी नहीं बुझेगी। उसी प्रकार से बोला गया है कि पूरे संसार में पेट की आग लग चुकी है सर, यानी भूख रूपी आग लग चुकी है, और यह भूख रूपी आग को बुझाने वाले मल्ली कौन है, राम है। जब तक राम रूपी बादल आसमान में नहीं छाएंगे तब तक यह जो है सो पेट की आग नहीं बुझेगी। वही बोला गया है कि तुलसी बुझाई एके राम घनश्याम, तो हमको लगता है कि इस आग को बुझाने वाले कोई और नहीं राम ही है और घनश्याम ही, आग बड़ावे बड़ी है आग पेट की, ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि आग से भी बड़ी होती है हमारी पेट की आग, समझ रहे बातों को। पेट की आग ऐसी होती है जो कई व्यक्तियों को भस्म कर सकती है, किसी का जिंदगी तबाह कर सकती है। ये यहाँ बोला गया है कि आगे बड़वी गीते बड़ी है, यानी आग से भी बड़ी है, वो क्या बड़ी है सर, तो पेट की आग बड़ी है, समझ गए बातों को। जो भी लोग यहाँ धर्म कर रहे हैं अधर्म कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने पेट के लिए कर रहे हैं, समझे बातों को। कोई दिक्कत यहाँ तक, एक बार समझते हैं हम लोग शॉर्ट। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ सर, इस कविता में जो है सो इस कवितावली में तुलसीदास ने समाज में जो है सो भूख गरीबी का वर्णन करते हुए कहा है कि इस समाज में चाहे मजदूर की बात करेंगे, चाहे किसान की बात करेंगे, चाहे बनिया की बात करेंगे, चाहे भिखारी हो, राहगीर हो, नौकर चाकर हो, चाहे फिर आपका सर नर्तकी हो, चाहे चोर हो, सब लोग जो है सो अपना पेट के भरने के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, समझ रहे बातों को। कोई यहाँ पर पढ़ा रहा है सर, कोई जो है सो गुण गढ़ रहा है मतलब ज्ञान की अर्जन कर रहा है सर, कोई पहाड़ चढ़ रहा है, कोई जा रहा है घने जंगल में और वहां जाकर के वह अपने लिए शिकार कर रहा है, कोई ऊंचे नीचे काम कर रहा है, कोई धर्म अधर्म कर्म कर रहा है, और कोई अपने पेट को भरने के लिए सर अपना बेटा बेटी को ही बेच दे रहा है, समझ रहे बात को। और तुलसीदास कह रहे हैं कि यह पेट रूपी आग को कोई और नहीं बल्कि स्वयं राम का नाम ही बुझा सकता है, क्योंकि आग से भी बड़ी आपकी पेट की आग होती है। कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़े, अब बढ़ते हैं हम लोग अगला पैराग्राफ। आगे बोला गया है, समझिए बातों को, जस्ट आगे बोला गया आखिर में क्या कारण है सर सब लोग यहाँ गलत काम कर रहे हैं। अगर हम किसान हैं खेती बाड़ी कर लेंगे हम, लेकिन सभी लोग मजबूर है या पेट की आग को बुझाने के लिए, कोई अधर्म वाला काम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, कोई बेटा बेटी वाला बेच दे रहा है यहाँ पर, तो क्यों भी बोला गया है खेती ना किसान को, किसान को चाहिए खेत वहां खेती करने के लिए, परंतु उसके पास खेत ही नहीं है तो बोलो क्या करेगा वो, कुछ तो अपराध करेगा ना। तो किसान को चाहिए क्या, वनली फोर सर खेती, भिखारी को ना भीख, अरे भिखारी को सर भीख नहीं मिल रहा, समझ रहे बातों को। एक भिखारी जाता है बांगली भीख वहां पर, तो उसे भीख मिलता है क्या, नहीं। तो ना तो यहाँ किसान को खेत मिल रहा है, ना ही भिखारी को भीख मिल रहा है, और तो यार बाबू ठीक है ना बोल रहे बलि मतलब कि कुछ मिलना मतलब प्रदान होना, यहाँ पर बलि बोलते हैं दान करना को, ठीक है। आगे है सर, बनिक को बनीज नहीं मिलता, जो बनिया है उसको सर अनाज,
यानी उसे व्यापारी का काम नहीं मिल रहा है, पूरा दिन भर बनिया घूम रहा है रास्ता में, उसे जो है कुछ भी सामान नहीं मिल रहा है, समझ रहे बातों को। तो बनिया को बनिज नहीं मिल रहा है सर। आगे सर, ना चाकर को चाकरी, मतलब जो नौकर है उसे नौकरी नहीं मिल रही है, वो भी बेरोजगार घूम रहा है, तो लोग क्या करेंगे, वही बोला गया है जीविका विहीन लोग। तभी क्या था, जीविका विहीन है, उसके पास जीने के लिए कोई साधन नहीं है, वो जिस पर आश्रित है उसे काम ही नहीं मिल रहा है। कुछ समझिए ऐसे सर कि हम यहाँ पर आश्रित है आप लोगों पर, जब बच्चे यहाँ पर आएंगे उनको पढ़ाएंगे तब हमारी इनकम होगी और हम अपना पेट को भरेंगे, ये बच्चे नहीं आए तो हम पेट कहाँ से भरेंगे सर। उसी प्रकार से एक किसान की फरासरी था बाबू, खेत पर, उसे खेत मिल रहा है नहीं मिल रहा है। एक भिखारी किस पर आश्रित था बाबू, भीख पर, उसे भीख भी नहीं मिल रहा है। एक बनिया को यहाँ पर बनी मतलब कि अनाज नहीं मिल रहा है बेचने के लिए। उसके बाद जो है सो एक नौकर को यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रहा है। सब लोग क्या है सर, जीविका विहीन लोग हैं, वह जीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, समझे बातों को। भी बोला गया है जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, जर हमेशा हम दिन रात एक ही बात सोचते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, टेंशन में है और दिमाग के अंदर एक बात खल रही है, खल क्या रही है सर यहाँ पर, कि कहे एक एकांशो कहाँ जाए का करी। सब लोग जो है सो एक दूसरे को यहाँ देखते हुए कह रहे हैं, यानी किसान कह रहा है भिखारी से बाबू, भिखारी कह रहा है बनिया से, बनिया का नौकर से, यहाँ पर क्या करें, कहाँ जाए यार, कहाँ पर जाए, क्या करे, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सब लोग बेरोजगार है यहाँ पर, किसी काम चल रहा है अच्छा से नहीं है, बनिया का यहाँ पर जो है सो व्यापारी नहीं चल रहा है, किसान का खेती नहीं चल रहा है, नौकर को यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है, तो सब लोग परेशान है, सब लोग इधर से पूछते वहीं पर, तो कहे एक एकांश से, यानी सभी लोग जो है एक दूसरे से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहाँ जाई कह कर बेदहू पुराण कही, यानी कि बाबू बेदहू मतलब होता ना वेद, यहाँ पर जान रहे वेद पुराण, यहाँ पर तो बोले वेद पुराण कहता है, क्या कहते हैं कि लोकहू विलोक, मतलब लोक विलोक में, यानी बोले देश बोलते लोक पर लोक में, यहाँ पर यानी कि हमारे देश विदेश में यहाँ पर, तो वेद पुराण भी कहता है कि लोक विलोक में यानी लोक पर लोक में जो है वो साकरे सब पे, यानी सभी समस्याओं पर राम रावरे कृपा करे, हे राम अब आपकी कृपा कर सकते हैं हमारे ऊपर, तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ, समझ रहे बातों को। यहाँ बोल रहे हैं कि वेद पुराण में एक बात कहल गया है कि आप बिगड़ी काम को मनाते हैं राम, और बोलते ना वो दुनिया चले ना श्री राम के बिना यहाँ पर, और राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, बात सही है यहाँ पर, तो बोला गया कि दुनिया में काम कौन करते हैं राम, अगर तुम्हारे पास लाख संकट है तुम्हें उससे कौन निकालेंगे राम। सब विचार यहाँ कर रहे हैं कि जो है सो कि वेद पुराण में एक बात कहा है कि चाहे हमारे लोग की बात करेंगे चाहे परलोक की बात करेंगे, हर जगह पर आपको समस्याओं से कौन समाधान दिलवाएंगे राम। तो ही बोला गया है कि सांवरे सब पर, सभी तरह की समस्याओं पर, सभी तरह की समस्याओं पर राम जो है सो उन्हीं रौरे, मतलब आपका ही कृपा होंगे, हम बोलते हैं भोजपुरी में रौरे, मतलब बोलते हैं आपका यहाँ पर, तो राम रौरे कृपा करी, मतलब कि आपकी ही कृपा जो है सो काम आएगा, किसी आपकी कृपा नहीं काम आ रहा। बोल रहे आगे कि दारिद दशानन दवाई दुनी दिन बंधु, दुरिद दहन देखी तुलसी हाहा करी। बोल रहे हैं इस समाज में क्या है सर कि दरिद्र यानी गरीब, बोलते गरीबी यहाँ पर, तो गरीबी रूपी दशानन मतलब कि रावण सर, क्योंकि हम पता है दशानन मतलब जिसका 10 गो चेहरा हो, जिसका 10 गो मुंह हो, वो कौन थे रावण। तो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने रावण का वध किया था ना उसी पर समाज में आजकल रावण नहीं लेकिन हाँ सर गरीबी रूपी रावण घूम रहा है, समझ रहे बातों को। जिस प्रकार से रावण यहाँ पति के साथ अत्याचार, उसी प्रकार से आजकल गरीबी भी क्या है सर हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है। तो बोल रहे हे राम कि आप जो है सो दरिद्र रूपी रावण को यानी गरीबी रूपी सर असहाय को दुख को का करिए दबाए दीजिए, मतलब उसको जो है वो खत्म कर दीजिए, जिस तरह आपने रावण को खत्म किया उस तरह से आप गरीबी को भी खत्म कर दीजिए, ठीक है ना। और दुनी दिन बंधु, दुनी बाबू दिन बंधु मतलब गरीबी यहाँ पर, ठीक है ना, जो गरीब भाई बहन है जो गरीब लोग है उनका, उनको आप सर इससे छुटकारा दिलवाइए, उनको इससे मुक्त कीजिए। दुरित दहन देखी, जब मैं जो हूँ सो इनका दहन देखूंगा, अब इधर रावण का दहन
हमें खुशी मिलती ही नहीं। उसी बात है जब जो है सो हम इस गरीबी का दहन को देख लेंगे, जब इस बाबू दरिद्रता मतलब कि गरीबी का हम लोग दहन को देखेंगे, जब गरीबी खत्म करेंगे तो उसको देख करके जो है सो तुलसीदास मतलब मुस्कुराएंगे, मतलब कि हहाएंगे, मतलब हंसेंगे यहाँ पर। जब जब राम यहाँ गरीबी खत्म करेंगे तब, समझे बातों को, इस बात को यहाँ बताने का प्रयास किया गया है, समझते एकदम शॉर्ट में। तो यहाँ बोला गया है कि होता क्या है सर कि वर्तमान समय में ऐसा हालत आ गया कि किसान को जो है सो खेत नहीं मिल पाता है, उसके बाद सर भिखारी को भीख नहीं मिल पाता है दान में, उसके बाद बनिया को जो है सर वो अनाज नहीं मिल पाता है, और नौकर को नौकरी नहीं मिल पाती है, सारे लोग जीविका विहीन है, और सभी के दिमाग में एक ही ख्याल चलता है, वो ख्याल क्या है सर कि सब लोग बतिया रहे आपस में कि हम कहाँ पर जाएं और क्या करें। तब उनके मन में ख्याल आता कि वेद पुराण में एक बात कहल गया है, वो कहाँ कहल गया है वेद पुराण में यहाँ पर कि साकरे सब पे, सभी के ऊपर जो है वो राम का हाथ होता है, और अब जो है सो राम ही कृपा कर सकते हैं, यानी राम आप ही सब पर कृपा कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपने रावण को पराजित किया था, उसी प्रकार से वर्तमान समय में गरीबी रूपी रावण भी घूम रही थे, एक काम कीजिए आप इस दरिद्र रूपी रावण का जो है सर वो नाश कीजिए, ठीक है ना, और देश से गरीबी को हटा दीजिए। जब हम सभी लोग इस गरीबी का नाश होते देखेंगे तभी हमारे आंखों पर एक चमक सर, हमारे चेहरे पर एक मुस्कान खुशी आएगी, और उसे देख करके तुलसीदास जो है सर वह मुस्कुराएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, आगे बढ़े, इतना ही है रे इसमें, हाँ चलो एक और है। अब देखो यहाँ पर तुलसीदास जो है ना, आप तो यहाँ बता रहे अपने बारे में, अब होता क्या है बता रहे जीवन के बारे में कि जब कविताएं लिख रहे थे, ठीक है ना, उनको बोलता है अरे ये पागला है यार, ये मतलब कि अच्छा काम नहीं कर रहा है, परिवार को छोड़ के आ गया है, क्योंकि समाज का नियम आपको पूरे कोसते ही कोसते हैं, ये समाज का रूल होता है। समाज का रूल क्या होता है कि आपको जो है हर तरह के लोग कोसते हैं, होता है ना बाबू, यहाँ पर आप पढ़ने जहाँ पर बोले जान पढ़ना बेटा पढ़े यहाँ पर ऐसा नहीं पढ़ के तार देता है यहाँ से, ऐसे लोग बोलते हैं। आप तो अगर मांगे चले सपोज दैट अगर आपका मन करेगा ना कि हम कल से जो है सो हम यूट्यूब पर काम करेंगे, तो बोलेंगे बाप फला बेटा बना लो वीडियो जी, क्रिमिनाटिया यहाँ बनते से लोग यहाँ पर आपको कहते ही कहते हैं, आप पूछते ही कोसते हैं, लेकिन जब आप सफल बन जाइएगा तो वही लोग आपकी तारीफ करते हैं। इसी बात को यहाँ बताने का प्रयास किया। सोचिए बाबू यहाँ पर जो समाज का हाल है कि लोग क्या कहेंगे बाबू, ठीक है ना, तो लोग क्या कहेंगे, तो लोग कुछ नहीं कहेंगे, हमेशा लोग आपकी टांग खींचेंगे, पता ही नहीं। अरे कहानी आज की नहीं, एक कहानी बहुत पहले की है, बता रहे तुलसीदास बाबू जो बहुत पुराने जमाने के थे बाबू तुलसीदास, उनके साथ भी सेम कांड हो गया। जब वो कविताएं लिख रहे थे, जब वो राम भक्ति में विलीन थे, तो समाज के लोग उसे काफी कोस रहे थे, देखो बा इस तंत बन गया जी, साधु बन गया जी, परिवार के लिए तो कमाता है नहीं, कोरिया बन गया, ये हो गया वो हो गया, ठीक है ना, फिर भी बोल रहे कि उनकी जो है सो बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं, कोई असर पड़ा नहीं। अब इसी बात को यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। तो वही तुलसीदास बोल रहे कि हे लोग, हे समाज के लोग, चाहे तुम मुझे धूत कहो, चाहे मुझे बाबू अवधूत कहो, जाना धूत मतलब होता है धूर्त, यहाँ समझते हैं ना धूर्त ही कार्य मतलब तुम एकदम मूर्ख ही का, तो चाहे तुम मूर्ख को चाहे तुम और समझदार को, वो दिक्कत कि चाहे आप मुझे धूत कहो चाहे आप मुझे अवधूत कहो, यानी कि चाहे आप जो है मुझे मूर्ख कहो चाहे आप मुझे समझदार कहो, चाहे आप जो है मुझे राजपूत कहो चाहे आप मुझे जोलाहा कहो, ठीक है ना, आपको मन आप हमें राजपूत कहिए राजपूत के बेटा है, आपको मन आप हमें जोलाहा कहिए मतलब कि मुस्लिम का बेटा है, ठीक है ना, वही बोल रहे हैं कि सब कोई जो है सो हमें अलग अलग तरह की बात करते हैं, कोई बोलते हैं ना फलना बड़ी समझदार, कोई बोलता है अरे समझदार महामूर्ख है, कोई बोलता है नहीं राजपूत है यार, कोई बोलता है नहीं वो जोलाहा है, बोला जा रहा है चाहे आप मुझे भूत कहो चाहे आप मुझे अवधूत कहो,
चाहे आप मुझे मूर्ख कहो, चाहे आप मुझे समझदार कहो, चाहे आप मुझे राजपूत कहो, चाहे आप मुझे दुल्हा को बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो से केकरो बेटी से आप बेटा के ब्याह नहीं करना है। क्लियर बात है यहाँ पर, दुनिया कुछ भी कहे लेकिन हमारा मतलब काहू की बेटी से यानी केकरो बेटी से जो है सो हमारे बेटा का ब्याह नहीं करना है, इसलिए हमारा कोई टेंशन है क्या? नहीं, तो जे मन से कहते रहो कहे तो आप ब्याह करना है यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। तो यही बोल रहे कि थोड़ी हमारा किसी घर जाकर अपना बेटा के ब्याह करना है, कुछ भी कहा यहाँ पर। और काहू की जाति बिगाड़ना सब ठीक है ना, क्योंकि हमारा घर जाति बिगाड़ना नहीं है, ऐसे नहीं को बोल रहा है जोल्हा यहाँ पर हमारा ठीक है ना, और हमारे बेटा का ब्याह हो गया हमारा तो बोलेगा ना जोल्हा है यहाँ पर कास्ट बिगड़ेगा, तो हमारा मतलब नहीं है क्योंकि हमारा घर जाकर अपना बेटा का ब्याह नहीं करना है। तुम कुछ भी कहो हमको उतना मतलब नहीं है, और हम जो है सो कहूं कि जाति बिगाड़ना सो हम किसी की जाति को बिगाड़ना नहीं चाहते। आप कुछ भी कहिए एक्सेप्ट करेंगे। बोले तुलसी सरनाम है, हमारा नाम में क्या सरनाम तुलसी बोलते हमारा सरनेम है यहाँ पर, और वो नाम था तुलसीदास ठीक है बाबू। तो बोले तुलसी सरनाम है, हमारा नाम क्या है सर तुलसी सरनाम है, यहाँ पर गुलाम है राम को, हम इनके गुलाम है राम के, मेरे बातों को तो बता रहे हैं यहाँ पर कि तुलसी सरनाम है गुलाम है राम के। जाकू रुचे सो कहे कछु आऊ, हमें जो रुचता है हमें जो पसंद आता है वो सारी बात को हम बोल देते हैं, हम किसी की बातों का परवाह नहीं करते, समाज हमें क्या कर रहा उससे हमें कोई मतलब नहीं, चूंकि हम भक्त तो राम के बाबू, राम के लिए कुछ भी करेंगे हम, हमारे मन में जो आएगा उसे बोलेंगे, नहीं आएगा मतलब हम नहीं बोलेंगे। आगे बोल रहे हैं मांग के खेबो, हम मांग के खाएंगे ठीक है बाबू, मस्जिद को सोइबो मतलब जहां मन तहां सोएंगे, मन तो हमारा जो है तो मस्जिदों में सोएंगे बाबू, मन है तो हम मंदिरों में सोएंगे, तो मस्जिद को सोएंगे मतलब मस्जिदों में सोएंगे हम ठीक है बाबू। और लेबो एक ना देबो दो ना बाबू, हमारा किसी से लेना है ना हमारा किसी को देना है, ये बोल रहे बाबू ना तो किसी से हम एक लेंगे ना किसी को हम दुगो देंगे, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है, ना तो हमें किसी से कोई लेना है और ना ही हमें किसी से कोई देना है, हम समाज में एकदम अलग हैं, हम अपने ही मस्त हैं और हम राम के भक्ति में एकदम मस्त है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये था आपका पहला कविता ठीक है, चलिए आगे हम लोग कल मिलेंगे।